हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 9th जनरल ग्रुप में आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्योंकि हम 3.2 तक जो है वो टोटल कर चुके हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3.3। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ कि 3.3, ठीक है। देखें, ये रही एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसके ऊपर के 6 क्वेश्चन हैं और मैं 6 क्वेश्चन आज आपको सिखाऊंगी और दो मेथड से सिखाऊंगी, यानी कि एक ही सवाल को आप दो मेथड से कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है। जो दोनों मेथड में से आपको इजी लगे आप वो जो है वो अटेम्प्ट कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं सवाल को जो है वो सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ओके, तो सवाल को हम करते हैं सॉल्व करना शुरू। शॉर्टली द क्वेश्चन, यानी कि इसको शॉर्ट करके लिखिए और उर्दू में मंदरजा ज़ैल को मुख्तसर करें। तो मैं सवाल को जो है वो आपको पता है मैं अगेन लिखती हूँ, तो 1/5 स्क्वायर वो ब्रैकेट एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट मेथड है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट मेथड, आपको जो ईजी लगे आप उससे जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका फर्स्ट मेथड कर रही हूँ। क्या करेंगे कि आपने ये लिखा, अब इसको आप 1/5 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, इट्स मीन अंदर कितने हैं, दोनों हैं, ठीक है। तो 1/5 और 1/5, इसको दोनों टाइम खोल लिया, देखिए स्क्वायर खत्म किया तो दोनों टाइम खोल लिया। आपको क्या करना है कि दोनों टाइम है तो जस्ट इसको जो है आप वन स्क्वायर को कैंसिल आउट करें ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ इसको कैंसिल आउट करें और जस्ट 1/5 आप आंसर लिखते हैं वन टाइम। इसके बाद हमें देखना होगा क्या ऊपर नीचे जो अल्फाज आए हुए हैं क्या वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, तो जस्ट 1/5 आंसर है। इसको इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा इजी मेथड से क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड था, मैं आपको सेकंड सिखा रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, आपने सवाल को मैं ये नहीं उतार रही, ये उतार रही हूँ दोबारा, ठीक है। जैसे कि आपने जो है 1/5 उतारा स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आर इक्वल्स, यानी कि दोनों इक्वल है, तो आप जस्ट यहाँ इसको काटा स्क्वायर रूट को काटा, ठीक है, और जस्ट ब्रैकेट से ख़त्म करके 1/5 आंसर आ। ये 2 स्टेप में ख़त्म होगा, ये 1 स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है। आंसर देखें दोनों का सेम है, मेथड अलग है। मेथड भले ही कैसा हो सवाल को सॉल्व करने का, बट जो मेथड यूज़ किया गया है वो ऊपर से नीचे तक करेक्शन करें कि सही तरीके से सॉल्व हुआ है, आंसर सही आ रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दोनों मेथड हैं, आप जो चाहें जो आपको ईजी लगता है आप वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं अब करती हूँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करती हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, यहाँ पर ईजीली आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2/30 स्क्वायर, इसको भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो नीचे जगह थोड़ी कम पड़ेगी इसलिए मैं देखिए बराबर से ही कर रही हूँ, आप लोग नीचे स्टेप्स बाय स्टेप से कीजिएगा। तो ये लिखा, ठीक है, इसको जो है मैं 2 टाइम खोल लूँगी, 2/30, देखें 2 टाइम खोल लिया, उसके बाद इन दोनों को 1 टाइम लिख लिया ब्रैकेट कैंसिल आउट करके, ये किया 2/13, ये आंसर आ गया। वर्ड को देखेंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 नहीं 13 नहीं, एक ही टेबल में दोनों नहीं आते, नहीं कैंसिल आउट होगा, जस्ट ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम जो है हमने 2/13 अगेन लिखा स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आर इक्वल, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 2/13 जस्ट एन आंसर, ठीक है। शायद ही आपने कभी इतने इजी मेथड से सवाल को सॉल्व किया हो कि हो, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं और मैं अब आपको इस मेथड से नहीं करवाऊंगी क्योंकि इससे भी ज़्यादा इजी मेथड ये वाला है, तो मैं इस मेथड से आपको सॉल्व कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 36/96 स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के लिए आपको पता है मैं अगेन जो है वो सवाल को उतारती हूँ और उतारना भी चाहिए क्योंकि सवाल के अंदर कभी भी सॉल्व नहीं होता, बट मैं कभी कभार जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग उतारा करें, और कभी कभी मैं उतार देती हूँ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि समझने से भी समझ में नहीं आता, उनको करके दिखाया जाए जब उनकी समझ में आता है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा उतारा मैंने।
मैं इसके बाद स्टेप क्या करती हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 36/96 लिख लिया मैंने, ठीक है। जब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। इसके बाद ये इसका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम करके देखते हैं, क्योंकि हो रहे हैं इसलिए मैंने नहीं किया है। देखें, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 2 6, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अब भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब भी हो रहा है, अभी 2 के टेबल से जा रहा है, तो 2 6 12 2 1 2 2 6 12, क्या अब भी कैंसिल आउट हो सकता है? ऑफ कोर्स अब भी हो सकता है, ठीक है। 2 3 6 2 8 16, अब कैंसिल आउट हो सकता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर है और आपको पता है ये सिर्फ अपने ही टेबल्स में आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/8, ठीक है। हमें इस तरीके से स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल आउट करके लेकर आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं एक ही टेबल से। अगर हो रहे होंगे तो करते जाएंगे, अगर नहीं हो रहे होंगे तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे कैंसिल आउट होता जा रहा था, सबसे लास्ट में ये आया है, तो ये नहीं कट सकता, तो इसलिए यही इसका आंसर रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको आपके लिए करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्क्वायर रूट -7 ब्रैकेट, उसके ऊपर है 2 की पावर, ठीक है। तो अगेन सॉल्व करने के लिए मैं इसको उतारूंगी, -7 माइनस आए, कुछ भी आए आपको घबराना नहीं है, क्या करना है वही चीज़, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, -7 आंसर। क्योंकि 7 एक ही नंबर दिया हुआ है, ना काट सकते हैं ना पहाड़ा पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3/10, ऊपर वाला वर्ड माइनस का दिया हुआ है इन्होंने, एंड 2, ठीक है, ऊपर वाला वर्ड माइनस का दिया हुआ है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है ये भी, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। 3/10, ओके, दोबारा उतार लिया, क्या करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इक्वल, कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा हमारे पास, -3/10, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन है, इवन इवन नंबर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ऑड ऑड आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट ऑड और इवन आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो ये अपने पहाड़े में आता खाली, और 10 जो है वो अपने से ज़्यादा पहाड़े में आता है, ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, और 10 अपने टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये नहीं कट सकता, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, मैंने सारे समझा दिए, जस्ट 6 रह गया, तो 6 हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन 6 का क्या आंसर आएगा, 6 का आंसर आएगा -xy। अब xy अल्फ़ाबेट का तो कोई टेबल होता ही नहीं है, तो जस्ट यही इसका आएगा। मैं ये भी आपको जो है वो करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, -xyn2, ओके, सॉल्व -xy2, क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर आर इक्वल, क्या आ गया हमारे पास आंसर, -xy, ठीक है, ओके, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान मेथड से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गए हो, अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके स्कूल्स के फ्रेंड हैं, जो आपके क्लास फेलो हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मैथ को जो है वो बहुत ही आसान मेथड से सीख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।